हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक का अगर आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड ऑर्डर करते हैं, आपका वीज़ा कार्ड हो या रुपए कार्ड हो, किस तरह आप जो है वो उसे ऑर्डर करके आप कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पेटीएम ऐप ओपन करके आपको बैंकिंग वाले सेक्शन पर जाना है, जिसमें आपको जो है कुछ एटीएम कार्ड का सेक्शन दिखेगा। उसमें जो है आपको एटीएम कार्ड अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, जिसमें 250 रुपये चार्ज लगेंगे, जिसमें आपका एटीएम कार्ड का फीस 250 रुपये कट जाएंगे। तो जिस तरह जो है कुरियर कोई भी सामान, यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजोन, जिस तरह जो है आपको डिलीवर करता है सामान 7 दिन या 10 दिन के अंदर, उसी तरह जो है आपका वो एरिया के पिन कोड के हिसाब रहता है, क्योंकि पेटीएम जो है ज़्यादा डिलीवर नहीं करता, सिर्फ उनका एटीएम कार्ड चेकबुक का ही काम होता है। चेकबुक भी आप उसका ले सकते हैं, चेकबुक में लेकिन उतना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चेकबुक जो है बहुत जगह वैलिड नहीं है। मैं काफ़ी जगह लोन लिया तो उनके जगह जो है चेकबुक दिया पेटीएम का, तो वो इशू नहीं रहा, लिया ही नहीं उसने, कहा कि पेटीएम का एटीएम कार्ड हमारे यहाँ जो है एक्सेप्टेड नहीं है, और बहुत ही बैंक में भी एक्सेप्टेड नहीं है, SBI में भी गया वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं कर, लेकिन एटीएम कार्ड सभी एटीएम मशीन में एक्सेप्टेड है। आप जो है 25,000 तक ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं एक बार कोई भी एटीएम से। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से वो 2 बार कैश विड्रॉ किया, तो 100% जो है कैश विड्रॉ हो जाता है, कोई भी इशू नहीं है। साथ ही साथ आपके फ़ोन पे मैसेज भी चलाता है, और जिसमें आपको एटीएम का 250 रुपये पेमेंट करना होगा, जो कि आपको कार्ड प्रिंट होके उसी में जो है आपका नाम भी प्रिंट रहता है। उसमें अगर आप वाईफाई लेस लेते हैं, वाईफाई लेस जो है वीज़ा कार्ड, जिनका रुपए कार्ड है उनका जो है नहीं आएगा। वीज़ा कार्ड को कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले जो है रुपए कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका वीज़ा कार्ड मिलेगा। वीज़ा कार्ड वाईफाई लेस मिलता है, रुपए कार्ड में वाईफाई लेस नहीं मिलेगा, और जिन पे जो है आप सिर्फ वाईफाई से ही पेमेंट कर सकते हैं, काफ़ी बेटर है। जिसमें लेकिन 250 रुपये सभी कार्ड के रुपये लीजिए या वीज़ा कार्ड लीजिए, 250 रुपये फ़ी पड़ेंगे, और ईयरली फ़ी 150 रुपये कट जाता है। ये 100% है, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया था तो 150 रुपये कुछ दिन पहले ही कट गया है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।